बहराइच का आपने देखा कि इनके विधायक ने ही अपने कार्यकर्ताओं पर FIR कराया, तरीके से दंगा कराना, झगड़े कराना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना। देखिए, बात हाथ और साइकिल की नहीं है, बात है कि इस देश की राजनीति में किसी न किसी को आगे आना होगा। नहीं, आपसी चर्चा के बाद में जब हमें ये लगा कि आपस में चर्चा करने से बात नहीं बन रही है। देखिए, ऐसा है कि हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन एकजुट है और हम इस प्रदेश के लिए, देश के लिए जो संदेश का काम है कि आपसी भाईचारा, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भी जिस तरीके से बहराइच का आपने देखा कि इनके विधायक ने ही अपने कार्यकर्ताओं पर FIR कराया, तो पूरी तरीके सुनियोजित तरीके से दंगा कराना, झगड़े कराना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना, ये सरकार करे, ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए निर्णय लिया गया कि मिलकर और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े। राहुल गांधी, खड़गे साहब, प्रियंका जी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे? निश्चित तौर से, जैसा भी प्रभारी जी ने कहा कि हमारा BLA, हमारे प्रदेश के लोग, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो भी हमारे लोग हैं, हम लोग काम करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव क्या हरियाणा का बदला UP में लेना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, यहाँ हरियाणा की बात नहीं, देश की बात है, राष्ट्र की बात है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर अत्याचार अन्याय हो रहा है, जबरदस्ती लोगों का घर गिराया जा रहा है, इन सबों का जवाब। जो आदमी वाराणसी में PM मोदी के खिलाफ कंडा नहीं डालते हैं, हथियार नहीं डालते हैं, वो आदमी इतनी आसानी से 9 सीटों पे कैसे मान? नहीं, हथियार डालने की बात नहीं है, ये सबको साथ लेकर, सबको एकजुट होकर ये लड़ने की बात। देखिए, बात हाथ और साइकिल की नहीं है, बात है कि इस देश की राजनीति में किसी न किसी को आगे आना होगा, कोई मिसाल और उदाहरण पेश करना होगा। माननीय राहुल गांधी जी ने राजनीतिक मुद्दों से ऊपर उठकर जब इस देश में 10,700 किलोमीटर से ज़्यादा की पदयात्रा और यात्रा कर लोगों के बीच में न्याय और प्रेम का संदेश दिया, तो ये अपने आप में एक मिसाल और इतिहास है कि उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर इन देशवासियों को, जो मायूस थे, जो दुखी थे, जो अपने आप को बेसहारा असहाय महसूस कर रहे थे, उनके बीच उनके दुख में शामिल होकर, उन्हें गले से लगाकर पूरे देश में एक नया संदेश दिया। उसके चलते हुए देश की राजनीति ने ना ही सिर्फ एक नया करवट लिया, लेकिन इसके चलते हुए देश में एक सकारात्मक राजनीति के प्रति सोच आई और आज उसी का ये उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने आप का समर्थन देते हुए इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने का प्रयास किया, जो पूरे देश। नहीं, आपसी चर्चा के बाद में जब हमें ये लगा कि आपस में चर्चा करने से बात नहीं बन रही है और साथ ही साथ बेहतर होगा कि हम एकजुटता के साथ में इस चुनाव को लड़ें, और प्रमुख उद्देश्य जो है वो है भारतीय जनता पार्टी को हराना, और वो तभी बेहतर तरीके से विश्वमय रूप से हो सकता है जब हम एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करें। तो बेहतर यही समझा हमने कि आज हम इंडिया गठबंधन के जितने भी उम्मीदवार होंगे उनको पूरा समर्थन देकर और आश्वस्त करेंगे जीत का, बने से बदल सीट के। राजनीति में हार और जीत, इसके अनुमान पहले हम कयास लगा सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, आज जनता का विश्वास कांग्रेस के प्रति है, माननीय राहुल गांधी जी के प्रति है, और निश्चित रूप से हम जीत हासिल करेंगे।